दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो। समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त। आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो, एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड गाइज, आपको पता है कि MSTCET का चीपेस्ट कोर्स अगर कुछ रहा है तो वो है हमारा COVID-19 कोर्स, COVID-19 बैच जिसको हम कहेंगे। यहाँ पे MSTCET का बहुत ही कम रुपीज में, मतलब 119 रुपीज के अंदर आपको ये कोर्स मिल रहा है और आपने ये लिया है, सो थैंक्स फॉर दैट। आज हम देखेंगे अपना एडवांस वीडियो जो कि है चैप्टर नंबर फर्स्ट का। ओके, जिसका है किसका है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का कौन सा है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। इसका हम एडवांस वीडियो देखेंगे। इसके अंदर हम 45 MCQs देखेंगे, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उसका आंसर क्यों कैसे आएगा। एंड वो ऐसे MCQ है जिसका पॉसिबिलिटी ज्यादा है एग्जाम में आने के लिए। तो आपने सबसे पहले हमारा कोर्स लेने के लिए थैंक यू सो मच। यह है हमारा MSTCET क्लास 12th बायोलॉजी का एडवांस वीडियो। ओके, PYQ ये सबके लिए है, ये फ्री में है, ये आपको मिलेंगे बेसिक वीडियोज, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको पता है 3 टाइप्स के अंदर हमारा सीरीज है। सबसे पहला एडवांस क्वेश्चंस, देन PYQ क्वेश्चन एंड बेसिक क्वेश्चन। सो PYQ क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, बेसिक क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। एडवांस क्वेश्चंस आपको 119 पे करके देना पड़ेगा, प्लस आपको टेलीग्राम ग्रुप में पर्सनल हेल्प मिलेंगी, पर्सनल आप कॉल कर पाओगे। ओके, तो ये है हमारा एडवांस वीडियो चैप्टर नंबर फर्स्ट का। सो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला हम MCQ देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट के ऊपर का। सबसे पहला MCQ चैप्टर नंबर फर्स्ट के ऊपर का, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे दिए गए में से आपको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट ध्यान ढूंढना है, कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, तो देखो, सबसे पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स। देन सेकंड, बर्डिंग जेम्यूल फॉर्मेशन एंड जूस्पोर आर एग्जाम्पल्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Then progeny formed by the sexual reproduction differs genetically from its parent and the new individuals formed by the asexual reproduction are called as clones. तो देखो, अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिमिलर जो पेरेंट्स होते हैं उसी के सिमिलर चाइल्ड होते हैं, मतलब ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, क्लोन्स कहते हैं। जैसे कि प्लांट्स में जो मैंगो का प्लांट है, उस अगर उसकी जो गुटली है वो अगर हम बोएंगे तो मैंगो का प्लांट आएगा न्यू, वो मैंगो के जैसा ही होगा। मतलब ये क्या है, वो हम क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं हम क्लोन्स, बिकॉज वो सिमिलर होता है जेनेटिकली भी और ऊपर से दिखने में भी। ओके, देन सी का क्या है, प्रोजेनी फॉर्म बाय द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर्स जेनेटिकली फ्रॉम इट्स पेरेंट। अब देखो यहाँ पे क्या कहा है कि प्रोजेनी जो फॉर्म हुआ है, मतलब एक पेरेंट जो है मैंगो का प्लांट, उससे क्या हुआ है, न्यू प्रोजेनी बना है। ये जो प्रोजेनी है ये पेरेंट से डिफर होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है या नहीं होता, ये तो सेम होता है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा सी ही है। ये बर्डिंग जेम्यूल फॉर्मेशन एंड जूस्पोर ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल होते हैं, ये भी करेक्ट है। एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल, ये भी है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्स सेल्स का फ्यूजन नहीं होता। मतलब ऑप्शन नंबर क्या है अपना, सी, प्रोजेनी फॉर्म बाय द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर जेनेटिकली फ्रॉम इट्स पेरेंट। तो वो डिफर जेनेटिकली डिफर नहीं होता, मतलब कि क्या जेनेटिकली डिफर, मतलब कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, वो डिफरेंट नहीं होता, वो सेम होता है, तभी तो हम उसको क्या कहते हैं, क्लोन्स कहते हैं। समझ में आ गया। तो ये है हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर है सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम देखो आप, क्या किसकी डायग्राम है ये, और उसके रिलेटेड आपको नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट शोज नॉन मोटाइल स्पोर्स ऑफ ईस्ट, ये नॉन मोटाइल स्पोर शो करते हैं ईस्ट के। सेकंड, इट शोज मोटाइल स्पोर ऑफ अमीबा। देन इट शोज क्लाइमाडोमोनास विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर। एंड लास्ट में इट शोज जेम्यूल फॉर्म बाय द स्पॉन्ज। तो देखो पहला क्या कहता है कि ये नॉन मोटाइल ईस्ट के स्पोर है। देखो नॉन मोटाइल मतलब क्या होता है, जो मूवमेंट नहीं करते, और जो स्पोर मूवमेंट नहीं करते उसके अंदर क्या नहीं होते, मूवमेंट करने को हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन, क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। और लोकोमोशन करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो कि लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं, वो होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स। मतलब लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए।
यहाँ पे देखो आप, ये ऐसे लोकोमोशनरी ऑर्गन्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजेला, क्या बोलते हैं, फ्लैजेला, वो फ्लैजेला है यहाँ पे। यहाँ पे तो नॉन मोटाइल लिखा है, अगर नॉन मोटाइल अगर होते तो वहाँ पे फ्लैजेला होता क्या? नहीं, तो ये पहला रॉन्ग है। देन इट शोज मोटाइल स्पोर ऑफ अमीबा। देखो अमीबा जो है एक ऐसा एनिमल है जो कि वो स्पोर फॉर्मेशन करके रिप्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान लो, मतलब ये भी रॉन्ग है। देन लास्ट थर्ड नंबर है, इट शोज क्लाइमेडोमोनास विच रिप्रोड्यूस्ड सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर। एंड लास्ट है, इट शोज जेम्यूल फॉर्मेशन इन स्पॉन्ज। तो देखो जो स्पॉन्ज वाला है, जेम्यूल फॉर्मेशन, ये स्पॉन्जेस के अंदर जेम्यूल फॉर्मेशन होता है, लेकिन उसकी जो डायग्राम है वो ऐसी होती है कि नहीं, ऐसे आर्चियोसाइट्स वहाँ पे होते हैं, ऐसे डायग्राम होती है। ये जो डायग्राम है ये इसका आंसर रहेगा 3 C नंबर का, इट शोज क्लाइमेडोमोनास विच रिप्रोड्यूस सेक्शुअली, नॉट सेक्शुअली, असेक्शुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर। ये जूस्पोर फॉर्म करता है। ओके देखो यहाँ पे ये ऐसा स्पोर्स होता है, उसके बाद अंदर से क्या होता है, वो सब मैच्योर हो जाने के बाद स्पोर क्या होता है अपना, ब्रेक होता है। ओके स्पोर क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा और उसके बाहर क्या निकल जाएंगे, ये स्पोर्स निकल जाएंगे, और हर एक स्पोर क्या बनेगा, न्यू क्लाइमेडोमोनास बनेगा। क्लाइमेडोमोनास क्या है, तो एक अलगी है, ठीक है, ध्यान में रखना। उसके अंदर क्या होता है, जूस्पोर होता है, जूस्पोर फॉर्मेशन होता है, समझ में आ गया? तो ये होता है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा गाइस, ऐसा ही आपको पढ़ाऊंगा। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिप्रोडक्टिव रूट्स टेकिंग पार्ट इन द रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन। देखो वेजिटेटिव पार्ट से क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव पार्ट मतलब क्या, वेजिटेटिव पार्ट मतलब प्लांट के पार्ट ऐसे जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट। तो ये बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब लीव्स से भी होता है, ब्रांचेस से भी होता है, समझ में आ गया, उसके बाद रूट से भी होता है। तो यहाँ पे दिया गया है हमको रूट, तो किसके अंदर, रूट से न्यू प्लांट बनता है, मतलब अगर उस रूट को हम ले जाएंगे सॉइल के अंदर डाल देंगे तो न्यू प्लांट बन जाएगा, तो वो किसके अंदर होता है। ओके तो ध्यान में रखना ऑलवेज, ये एस्पारेगस, डहलिया एंड स्वीट पोटैटो, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, रूट के एग्जाम्पल है, मतलब ये रूट, इनके अंदर रूट जो होते हैं वो न्यू एनिमल बनाते हैं, मतलब ये रिप्रोडक्शन करते हैं, रूट टेकिंग पार्ट इन रिप्रोडक्शन। देखो स्वीट पोटैटो जिसको हम क्या कहते हैं, उस मीठा, ओके मीठा बटाटा जो कि हम खाते हैं, तो वो अगर आप किसी प्लांट सॉइल के अंदर डालोगे वो, तो क्या हो जाएगा, उसके न्यू प्लांट बन जाएगा। ये डहलिया भी वैसा ही है, एस्पैरागस वैसा भी है, ये तीनों प्लांट के अंदर क्या होता है, रूट हेल्प करते हैं न्यू प्लांट को बनाने के लिए, मतलब कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम बोलते हैं उसको, प्रोपेगेशन या फिर इसको रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वहां पे कौन हेल्प कर रहा है, यहाँ पे रूट हेल्प कर रहा है, कौन हेल्प कर रहा है, रूट। ओके क्लियर है, तो ये ध्यान में रखना है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर है 4, इन ग्राफ्टिंग व्हाट इज अ स्टॉक। ओके ग्राफ्टिंग के अंदर स्टॉक क्या है, व्हाट इज स्टॉक। तो ग्राफ्टिंग पता है, इसके अंदर दो प्लांट होते हैं, ओके ये एक प्लांट, ये सेकंड वाला प्लांट, ओके ये फर्स्ट वाला प्लांट, ये सेकंड वाला प्लांट। अभी इस प्लांट को बहुत ज्यादा बड़े बड़े वाले फल आते हैं, एंड इस जो हमारा सेकंड वाला प्लांट है यहाँ पे क्या होता है, मीठे वाले फल आते हैं, मीठे वाले फल आते हैं। तो अगर हम ये दोनों प्लांट को कंबाइन करेंगे, ओके कंबाइन किया, तो कंबाइन कैसे करेंगे, एक नीचे वाला पार्ट रहेगा ऐसे जमीन में रहा हुआ, ये बीच में ऐसा इसको क्रॉस काटेंगे, ये काट दिया हमने, ओके और उसके बाद ऊपर में इसके दूसरा वाला प्लांट ऐसे लगा देंगे ऐसा, वो भी वैसे काट के। अभी ये प्लांट का कैसा होगा, मीठे वाले फल आएंगे इसको, और ये नीचे वाला जो हमारा है उसको बड़े वाले फल आएंगे, समझ में आ गया? तो मतलब यहाँ पे क्या क्या है, हमने दो डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स को ब्रेक काटा बीच में और उसको फ्यूज किया। अभी देखो यहाँ पे एक पार्ट है कि जो जमीन के अंदर है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टॉक, बिकॉज वो जमीन के अंदर होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, स्टॉक कहते हैं, ये होता है हमारा स्टॉक। एंड उसके ऊपर जो नया प्लांट का पार्ट लगाते हैं, नया प्लांट, लेकिन वो कैसा है, वो उसके ऊपर ग्राफ्ट किया गया है, उसको हम बोलते हैं सायन। मतलब क्या है कि स्टॉक के ऊपर सायन को ग्राफ्ट किया जाता है, ये स्टॉक उसके ऊपर, ये स्टॉक बिकॉज ये ग्राउंडेड रूट का पार्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है, इन ग्राफ्टिंग व्हाट इज अ स्टॉक, स्टॉक क्या है, रूट्स ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट, नहीं है। देन पार्ट ऑफ अदर प्लांट इंसर्टेड ऑन द रूटेड प्लांट, ये भी नहीं है। एंड देन नेक्स्ट है थर्ड, प्लांट रूटेड इन द सॉइल ऑन विच द पार्ट ऑफ अदर प्लांट इज इंसर्टेड, इसका आंसर है सी। ओके क्यों, बिकॉज ये प्लांट का ऐसा पार्ट होता है जिसके ऊपर ये नया वाला पार्ट हम लगाते हैं प्लांट का, ठीक है, प्लांट रूटेड है, ये सॉइल के अंदर रूटेड है कि नहीं। देखो ये सॉइल के अंदर यहाँ पे सॉइल होता है,
तो ये रूटेड प्लांट का पार्ट है, सॉइल के अंदर होता है, उसके ऊपर नया प्लांट लगाया जाता है, न्यू पार्ट प्लांट का, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। और अगर ऐसा कहा था यहाँ पे कि इन ग्राफ्टिंग व्हाट इज अ सायन, ऐसा अगर कहते तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता, जो कि है पार्ट ऑफ द अदर प्लांट इंसर्टेड ऑन द रूटेड प्लांट। रूटेड प्लांट मतलब कि स्टॉक, तो जो पार्ट प्लांट का स्टॉक के ऊपर रूट किया जाता है, उसको लगाया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, उसको हम सायन कहते हैं। समझ में आएगा, यहाँ पे एक एमसीक्यू में आपकी दो एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो गई। देन क्वेश्चन नंबर है 5, क्या है, ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट बिकॉज, जो ग्राफ्टिंग है वो डाइकॉट में होती है, मोनोकॉट में नहीं होती। सो व्हाट इज माय डाइकॉट एंड मोनोकॉट। डाइकॉट मतलब क्या होता है कि ऐसा प्लांट जिसके अंदर सीड जो है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड होती है, एंड मोनोकॉट मतलब कि ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर सीड जो है वो सिंगल होती है, वो कॉटलीडॉन्स मतलब दो पार्ट के अंदर डिवाइड नहीं होती, सिंगल। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका, राइस, ओके। और इसका क्या एग्जाम्पल है, सोयाबीन, ध्यान में रखना, बिकॉज वो दो पार्ट के अंदर उसकी सीड डिवाइड होती है। मोनोकॉट के अंदर राइस की सीड, जो राइस होता है वो सिंगल सीडेड होता है, मतलब मोनोकॉट कहते हैं उसको। समझ में आ गया, तो ये ध्यान में रखना। तो इसके अंदर ग्राफ्टिंग जो होता है वो पॉसिबल ही नहीं है। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग क्या है, एक मेथड होती है जिसके अंदर हमने दो डिफरेंट प्लांट को एक प्लांट के ऊपर लाते हैं, यहाँ पे ऐसा पैक करते हैं, और एक प्लांट एज अ एक ही वर्क करता है ये दोनों, और दोनों टाइप्स के फल हमको एक प्लांट के ऊपर मिल जाते हैं। समझ में आ गया। तो 5 नंबर का जो है, ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट बिकॉज, मोनोकॉट के अंदर पॉसिबल नहीं होता। क्यों, पहला दे डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ, देन सेकंड स्टॉक एंड सायन ऑफ मोनोकॉट डू नॉट फॉर्म, प्लांट डू नॉट फ्यूज, देन दे डू नॉट हैव इंट्रा और इंटर और इंट्रा फॉलिकुलर कैम्बियम एंड ऑल ऑफ दिस। सो इसका आंसर है गाइस ऑल ऑफ दिस। क्या है इसका आंसर, ऑल ऑफ दिस है। क्यों है इसका आंसर ऑल ऑफ दिस, बिकॉज देखो यहाँ पे क्या है, ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती इनके अंदर, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती मतलब इसके अंदर क्या फॉर्म नहीं होता पता है आपको, कैम्बियम। अगर कैम्बियम फॉर्म हो रहा है प्लांट के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि उस प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। अगर कैम्बियम नहीं फॉर्म हुआ है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। समझ में आ गया। तो कैम्बियम नहीं अगर फ्यूज हुआ तो जो स्टॉक रहेगा मतलब ग्राउंडेड पार्ट, एंड उसके ऊपर जो लगाया है हमने सायन, ये दोनों के जो मोनोकॉट प्लांट ये फ्यूज नहीं होंगे। क्यों नहीं फ्यूज होंगे, बिकॉज उसके अंदर कैम्बियम ही नहीं प्रेजेंट होगा, मतलब डू नॉट हैव इंटर और इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। अगर कैम्बियम नहीं हुआ तो वो दोनों फ्यूज नहीं हो पाएंगे, और वो कैम्बियम फॉर्म नहीं होता इसलिए वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं शो करता। मतलब ये क्या है, इसका ऑल ऑफ दिस आंसर है। ओके, ये तीनों कैरेक्टर होते हैं इसलिए मोनोकॉट के अंदर ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, डाइकॉट के अंदर ग्राफ्टिंग पॉसिबल है। क्यों, बिकॉज डाइकॉट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होता है, मतलब कैम्बियम फॉर्म होता है, उसके स्टॉक एंड सायन का जो होते हैं ये दोनों डाइकॉट के अंदर वो फ्यूज हो जाते हैं आपस में, और उसके अंदर इंटर एंड इंट्रा फसिकुलर कैम्बियम भी शो होता है। समझ में आ गया। देन क्वेश्चन नंबर है 6, क्या है 6 नंबर का क्वेश्चन, एंथर इज जनरली कंपोज ऑफ, एंथर किससे बनता है बताओ आप, वन स्पोरेंजियम, टू स्पोरेंजिया, थ्री स्पोरेंजिया एंड फोर स्पोरेंजिया। तो एंथर जो है वो 4 स्पोरेंजिया से बनता है। सो व्हाट इज डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पोरेंजिया एंड स्पोरेंजियम। देखो स्पोरेंजियम मतलब क्या होता है, स्पोरेंजियम मतलब ये स्पोरेंजियम, ओके, एंड स्पोरेंजिया मतलब इसके अंदर का, इसके अंदर कितने स्पोरेंजिया के अंदर, ओके, ये स्पोरेंजिया है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, ये क्या है, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। सो ये क्या है अपना, स्पोरेंजियम है। तो ये स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, उसके अंदर है स्पोरेंजिया, ये जो है वो है स्पोरेंजिया, ओके, स्पोरेंजिया। तो कितने स्पोरेंजिया है इसके अंदर, 4 स्पोरेंजिया है, मतलब इसका आंसर क्या है, 4 स्पोरेंजिएट। ठीक है, क्लियर है। देन क्वेश्चन नंबर है 7, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्टिव एंथर। देखो जो एंथर है उससे रिलेटेड आपको नीचे स्टेटमेंट दिया गया है, और इसमें से 3 जो है वो करेक्ट रहेंगे और एक रहेगा इनकरेक्ट, तो वो आपको ढूंढना है। ओके, देखो अभी ये क्वेश्चन आप पढ़ते वक्त गलती मत करना, कभी कभी बच्चे क्या पढ़ते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्टिव एंथर, ओके, ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे ध्यान में रखना, अच्छे से केयरफुली आप क्वेश्चन को पढ़ना ताकि आपका जो मार्क्स है वो कम ना हो। देन पहला है द आर्चियोस्पोरियल सेल डिवाइड इंटू इनर स्पोरेंजियल सेल एंड आउटर प्राइमरी सेल, ओके। देन बी स्पोरेंजिनस टिश्यू इज फॉर्म फ्रॉम द स्पोरेंजिनस सेल ऑफ एंथर। देन सी ओनली फ्यू सेल्स ऑफ स्पोरेंजियम टिश्यू आर कैपेबल टू गिव राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्रेड एंड अ पराइटल सेल ऑफ द एंथर अंडरगो डिविजन टू फॉर्म द एंथर वॉल लेयर्स।
तो देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर इज ओनली फ्यू सेल्स ऑफ स्पोरेंजियम टिश्यू आर कैपेबल टू गिव राइज टू द माइक्रोस्पोर टेट्रैड। इसका ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, इनकरेक्ट है। व्हाई? बिकॉज ओनली फ्यू नहीं तो पूरे के पूरे सेल्स होते हैं स्पोरेंजियस टिश्यू के, वो माइक्रोस्पोर टेट्रैड बनाने के लिए एबल होते हैं। यहाँ पे लिखा है वेरी फ्यू, वेरी फ्यू नहीं होते, पूरे होते हैं। ओके ये गलत है। यहाँ पे देखो क्या कहा है, आर्चियोस्पोरियल सेल डिवाइड इनटू इनर स्पोरेंजिनस सेल और आउटर प्राइमरी सेल, ये करेक्ट है। ओके मैंने बेसिक वीडियो में आपको ये पढ़ाया है पूरा कंसेप्ट, उसके अंदर भी आपको समझ में आया होगा अगर देखा है वीडियो तो। स्पोरेंजिनस टिश्यू इज फॉर्म फ्रॉम द स्पोरेंजिनस सेल ऑफ एंथर, स्पोरेंजिनस सेल ऑफ एंथर से बनता है स्पोरेंजिनस टिश्यू, करेक्ट है। और नीचे वाला भी जो पराइटल लेयर होता है पराइटल सेल का एंथर के, वो एंथर के वॉल बनाता है, एंथर के लेयर बनाता है। ओके जो कि चार लेयर होते हैं, इपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। आइडेंटिफाई लेबल्स पी क्यू एंड आर इन द गिवन फिगर ऑफ टी एस ऑफ एंथर। यहाँ पे पी क्यू एंड आर को आपको नेम देना है। ओके देखो सीधा सीधा है ये तो। ओके पी का नेम क्या है बताओ, पी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इपिडर्मिस। ओके बिकॉज इपिडर्मिस क्यों बोलते हैं, ईपी मतलब होता है एक्सटर्नल, डर्मिस मतलब होता है लेयर, इसलिए इसको इपिडर्मिस कहते हैं। समझ में आ गया? देन उसके बाद जो क्यू होता है वो क्या है, ये इनर मोस्ट लेयर है। देखो यहाँ पे ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं पता है आपको, टैपेटम। कौन सी होती है इनर मोस्ट लेयर, टैपेटम होती है। इसको हम न्यूट्रेशन न्यूट्रेटिव लेयर भी कहते हैं, है कि नहीं। और उसके बाद जो अपना आर है वो क्या है, अंदर है, इसके अंदर मतलब कि टैपेटम के अंदर, ये है अपनी टैपेटम। टैपेटम के अंदर क्या होता है, क्या होता है वहां पे, होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या होता है ये, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो बताओ फिर यहाँ पे आंसर क्या आएगा अपना, तो आंसर आएगा वी। क्या आएगा, वी। समझ में आ गया? तो ये है अपना आंसर। देन क्वेश्चन नंबर है 9, द एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ फोर वॉल लेयर्स वेयर, एंथर जो है वो फोर वॉल लेयर से कंसिस्ट करता है। उसके अंदर देखो एंडोथीशियम लाइज इनर टू मिडल लेयर, टैपेटम लाइज जस्ट इनर टू एंडोथीशियम, टैपेटम लाइज नेक्स्ट टू इपिडर्मिस एंड मिडल लेयर लाइज बिटवीन एंडोथीशियम एंड टैपेटम। सो यहाँ पे जो आपको क्या करना है, करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है इसके अंदर वो ढूंढना है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो देखो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, इपिडर्मिस, इपिडर्मिस कहते हैं। देन होता है एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। ओके देन होता है उसके अंदर का वो होता है मिडल लेयर, मिडल लेयर। ओके एल ई होगा यहाँ पे मिडल लेयर, एंड उसके बाद होगा लास्ट में वो होगा टैपेटम जो कि इनर मोस्ट होती है, और वो क्या होती है, न्यूट्रेटिव लेयर होती है कि नहीं। तो देखो सबसे पहला वो इपिडर्मिस होता है। यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट कहा है कि इंडोथेशियम लाइज इनर टू मिडल लेयर, मिडल लेयर के अंदर होती क्या ये, हाँ करेक्ट है। ओके ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देन सेकंड देखो, टैपेटम लाइज जस्ट इनर टू इंडोथेशियम, टैपेटम इंडोथेशियम के अंदर होती है, जस्ट नहीं, जस्ट अंडर नहीं होती, उसके अंदर मिडल लेयर होती है और उसके अंदर होती है टैपेटम। देन ये रॉन्ग रहा। देन टैपेटम लाइज नेक्स्ट टू इपिडर्मिस, जो टैपेटम होती है वो इपिडर्मिस की ऊपर की लेयर होती है, नेक्स्ट उसके बाद की लेयर होती है क्या, नहीं होती, ये भी रॉन्ग है। एंड मिडल लेयर लाइज बिटवीन एंडोथेशियम एंड टैपेटम, जो मिडल लेयर होती है वो एंडोथेशियम एंड टैपेटम के बीच में होती है, तो ये करेक्ट है। मतलब यहाँ पे कितने करेक्ट रहेंगे, दो करेक्ट रहेंगे। ओके कितने स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे, दो, पहला वाला एंड सेकंड वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दूंगा कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था वो था ए एंड डी, मतलब बोथ। ओके बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। समझ में आ गया? तो ये ध्यान में रखना है आपको। सो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ये ऐसा लेयर के ऊपर। समझ में आ गया? देन नेक्स्ट में अब देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के ऊपर का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है 10 नंबर का, और माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं MMC, वो क्या फॉर्म करता है, वो क्या फॉर्म करता है बताओ इसका आंसर। ये तो सीधा है, वो फॉर्म करता है पोलन ग्रेन्स को। किसको फॉर्म करता है, पोलन ग्रेन्स। ओके देन क्वेश्चन नंबर है 11, पोलन ग्रेन कैन रिमेन वेल प्रिजर्व इन द फॉसिल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन पता है आपको, वो फॉसिल एज अ फॉसिल्स वो वर्क करते हैं, प्रिजर्व रहते हैं अच्छे, मतलब वेल प्रिजर्व, वो बहुत दिन तक वो वैसे के वैसे रह सकते हैं एज इट इज। क्यों
फॉसिस मतलब क्या होते हैं पता है आपको? डेड, डेड पार्ट्स ऑफ एनिमल और प्लांट, प्लांट के या फिर एनिमल के जो डेड पार्ट्स होते हैं वो एज इट इज हम रखते हैं उसका पढ़ाई करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। और ये जो पोलन ग्रेन होता है ये वेल फॉसिल्स है, ये बहुत ही अच्छा प्रिजर्व फॉसिल होता है। क्यों? बिकॉज पोलन ग्रेन की जो ऊपर की लेयर होती है वो बनती है कौन से सब्सटेंस से बनती है? उसको ऊपर की लेयर को क्या कहते हैं? एग्जाइन। और ये एग्जाइन लेयर बनती है स्पोरोपोलिनिन से, बिकॉज यहाँ पे देखो स्पोरोपोलिनिन, ये इसका आंसर है। और ये जो स्पोरोपोलिनिन होता है ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब पता है क्या आपको? मतलब ये नेचर के अंदर डिग्रेड नहीं होता, नेचर इसको खला मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता। और इसलिए ये एज अ फॉसिल्स वो जिंदा रहते हैं, एज अ फॉसिल्स वो एज इट इज रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं। समझ में आ गया? बिकॉज उसके अंदर क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन होता है। ये स्पोरोपोलिनिन बनता है, ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है एंड ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, नेचर में डिग्रेड नहीं होता। तो इसलिए हम पोलन ग्रेन को ज्यादा देर तक पढ़ाई करने के लिए एज इट इज रख सकते हैं, वेल प्रिजर्व रख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर है 30, 12, तो 12 नंबर का क्वेश्चन। इन फ्लावरिंग प्लांट अ मैच्योर गैमेटोफाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ पोलन मदर सेल बाय। देखो ये फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो मैच्योर गैमेटोफाइट है अपना बनेगा इज डिराइव्ड फ्रॉम द पोलन मदर सेल से बनेगा बाय। मैच्योर गैमेटोफाइट बनेगा पोलन मदर सेल से, मतलब PMC से बनेगा मैच्योर गैमेटोफाइट। तो उसके अंदर कितने माइटोसिस डिवीजन एंड कितने मियोसिस डिवीजन होते हैं तो वो आपको बताना है। तो देखो ये बेसिक चीज है, इसके अंदर होता है एक मियोसिस एंड सेकंड माइटोसिस। एक मियोसिस एंड सेकंड दो माइटोसिस, ये दो डिवीजन ऐसे तीन, दोनों को मिला के तीन डिवीजन होते हैं जिसमें से एक मियोसिस होता है एंड अदर टू माइटोसिस होते हैं। ये आपको मेल, मेल डेवलपमेंट गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो है उसके अंदर आपको ये पढ़ा होगा आपने। ठीक है, क्लियर है? तो ये इसका क्या होगा गाइस, आंसर होगा। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13। इन द डायग्राम, इन गिवन डायग्राम ऑफ द पोलन ग्रेन आइडेंटिफाई फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये पोलन ग्रेन की डायग्राम है, इसके अंदर आपको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इसके नाम लिखने हैं। देखो सबसे पहला फर्स्ट वाली है ऊपर की लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एग्जाइन। ऊपर की लेयर है इसलिए एग्जाइन। देन उसके अंदर यहाँ पे छोटे छोटे आपको सेल दिखाई दे रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। सो जो अपना यहाँ पे वेजिटेटिव सेल होता है, जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बड़ा होता है साइज में, बिग होता है। साइज में कैसा होता है? वो बिग होता है। बिकॉज यहाँ पे देखो यह है अपना वेजिटेटिव सेल, उसका न्यूक्लियस है ये, और उसके अंदर जनरेटिव सेल रहता है, और ये जो जनरेटिव सेल होता है वो फ्लो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। सो इसका आंसर क्या है? जनरेटिव सेल। बिकॉज यहाँ पे देख रहे हो आप ये ऐसा, इसको न्यूक्लियस भी है, ये सेल ये वेजिटेटिव सेल के अंदर है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल। और ये जनरेटिव सेल जो होती है वो कैसे होती है? स्मॉल होती है साइज के अंदर। ये कैसी होती है? होती है लार्जर इन साइज। समझ में आ गया? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा फिर? एक इंटाइन, दो वेजिटेटिव सेल एंड थ्री जनरेटिव सेल। देन नेक्स्ट में आपको क्या बताया है? 14 नंबर का क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू जनरेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल है उसके रिस्पेक्टिव में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला, इट इज रिच इन फूड, वो फूड होता है उसके अंदर, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। देन इट हैज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, ये भी होता है। सबसे पहले तो उसके अंदर फूड पाया जाता है और उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर शेप का होता है, कभी ऐसा शेप का कभी ऐसा शेप का, मतलब इरेगुलर, नॉट अ रेगुलर शेप। देन इट इज बिगर देन द वेजिटेटिव सेल, वो वेजिटेटिव सेल से बिगर होता है हमारा जनरेटिव सेल। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, बिकॉज जो हमारा जनरेटिव सेल होता है वो बड़ा होता है, उसका यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर होता है हमारा जनरेटिव सेल, और ये यहाँ पे उसका न्यूक्लियस, और ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल फ्लोट होता है। तो इसलिए इसका जो साइज है वो बिगर नहीं होता, वो छोटा होता है। इट इज बिगर देन द वेजिटेटिव सेल, नहीं होता है, ये वेजिटेटिव सेल से छोटा होता है हमारा जनरेटिव सेल, जो अंदर में है ये। एंड इट इज अ थिन वॉल, तो ये भी करेक्ट है, उसके अंदर थिन वॉल होता है। तो आंसर कौन सा है यहाँ पे? वो है इट इज बिगर देन द वेजिटेटिव सेल, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है जो कि हमको ढूंढना था। देन क्वेश्चन नंबर है 15, इफ देयर आर फोर माइक्रोस्पोर मदर सेल इन एंथर व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। अभी देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या सवाल है? देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अगर
क्या होंगे? देर आर फोर माइक्रोस्पोर मदर सेल। अगर चार माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगे किसके अंदर? किसके अंदर? एंथर्स के अंदर, एंथर्स के अंदर। तो देखो व्हाट विल द नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स, तो कितने पोलन ग्रेन फॉर्म होंगे, तो पोलन ग्रेन्स कितने फॉर्म होंगे ये आपको यहाँ पे बताना है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होता है इसके अंदर क्या होता है, वो चार जो एंथर के अंदर क्या होता है, चार क्या होते हैं माइक्रोस्पोर स्पोरेंजियम होते हैं, चार स्पोरेंजियम। उसके अंदर कितने माइक्रोस, चार कितने, एक सेल से कितने फॉर्म होंगे फिर? चार, 1 2 3 4। बिकॉज वो क्या होता है, उसके अंदर फोर स्पोरेंजिया होते हैं, उसके ऊपर होता है स्पोरेंजियम। तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है वो चार माइक्रोस जो हमारे पोलन ग्रेन है वो फॉर्म करेंगे, मतलब माइक्रोस्पोर फॉर्म करेंगे। कितने? चार। ओके, चार पोलन ग्रेन फॉर्म करेंगे एक हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब 1 mmc। तो यहाँ पे 4 mmc कितने फॉर्म करेंगे? 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ पे क्या आंसर है गाइस? 16 है। बिकॉज एक मदर सेल्स फॉर्म करती है चार पोलन ग्रेन्स को। ओके, सो अब हमारा देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16, जो क्या कहता है, इफ देर आर 24 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ओके इन प्लांट। अगर क्या है, 24 माइक्रोस्पोर मदर सेल है ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, MMC कहते हैं ओके। एंड देन हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 576 हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर। तो यहाँ पे क्या दिया गया है वो समझो, 24 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है ये प्लांट के अंदर, और उसके अंदर कितने मियोटिक डिवीजन लगेंगे काय के लिए, टू प्रोड्यूस 576 हेप्लॉइड माइक्रोस्कोप माइक्रोस्पोर। सो अगर 576 हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर हमको प्रोड्यूस करने हैं तो कितने हमको डिवीजन लगेंगे, लेकिन कौन से डिवीजन? वो है मियोटिक डिवीजन, वो है मियोटिक डिवीजन। अभी ध्यान में रखो आपको कि एक माइक्रोस्पोर को ओके, एक माइक्रोस्पोर को चार बनते हैं, क्या बनते हैं, एक इसके अंदर मियोटिक डिवीजन हुआ तो क्या बनते हैं, चार हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर बोल बनते हैं। ओके ओके, एक सेल से कितने बनते हैं? चार। समझ में आ गया, मतलब एक माइक्रोस्पोर कितने हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाता है, तो चार बनाता है। समझ में आ गया, तो 24 कितने बनाएंगे? सो यहाँ पे इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर देखो एक हमारा माइक्रोस्पोर, एक माइक्रोस्पोर क्या करता है, चार हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करता है, कितने मियोटिक डिवीजन के अंदर? एक मियोटिक डिवीजन। कितने मियोटिक डिवीजन? एक मियोटिक डिवीजन। एक मियोटिक डिवीजन डिवीजन के अंदर एक माइक्रोस्पोर स्पोर क्या करता है, चार हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाता है। तो 24 माइक्रोस्पोर कितने डिवीजन के अंदर 576 माइक्रो हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाएंगे? तो उसका आंसर है गाइस 24। क्या है? 24। ओके, ध्यान में रखना, इसलिए इसका आंसर क्या है? 24। समझ में आ गया, तो बहुत इजी था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 17। वो क्या कहता है, वो कहता है हाउ मेनी पोलन मदर सेल्स। ओके, देखिए यहाँ पे पोलन मदर सेल मतलब PMC, हाउ मेनी PMC सेल शुड अंडरगोज मियोटिक डिविजन टू प्रोड्यूस 64 पोलन ग्रेन्स। तो अगर हमको 64 पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने, कितने? 64 पोलन ग्रेन्स। तो कितने पोलन मदर सेल्स जो है वो डिवीजन के अंदर जाएंगे, लेकिन कौन सा डिवीजन? मियोटिक डिवीजन। आपको पता है मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, एक सेल के कितने सेल बनते हैं? चार सेल बनते हैं। मतलब हमारे को कितने पोलन ग्रेन चाहिए? 64 पोलन ग्रेन। तो एक देखो मियोटिक डिवीजन में एक के कितने बनते हैं? चार बनते हैं। ओके, तो ध्यान में रखना क्या करेंगे हम, 64 इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 है कि नहीं, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, आएगा 16। ओके, मतलब क्या है कि हमको 16 डिवीजन करने पड़ेंगे, मियोटिक डिवीजन करने पड़ेंगे टू प्रोड्यूस 64 पोलन ग्रेन्स। समझ में आ गया, बिकॉज ये पीएमसी मतलब पोलन मदर सेल मियोटिक डिवीजन में मतलब एक सेल के चार सेल बनते हैं, मतलब एक पीएमसी से चार पोलन ग्रेन बनते हैं। तो फिर 16 PMC से क्या बनेंगे, 64 पोलन ग्रेन्स बनेंगे, बिकॉज 16 × 4 मतलब 64। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, वेन अ माइक्रोस्पोर मदर सेल विथ अ 40 क्रोमोजोम्स अंडरगोज मियोसिस। अभी देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल है हमारे पास, उसके अंदर 40 क्रोमोजोम्स है, और उसने मियोसिस के अंदर गया वो मियोसिस, एंड ईच ऑफ द रिजल्टिंग सेल हैज, तो जो रिजल्टिंग सेल होंगे उसके अंदर कितने क्रोमोजोम होंगे? देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल है कि नहीं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इसने क्या किया, देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल इसके अंदर कितने क्रोमोजोम थे, इसके अंदर थे 20 क्रोमोजोम,
थोड़ा मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, इसके अंदर थे 20 क्रोमोसोम। तो ये जब क्या हुआ, ये मियोसिस हुआ, इसके अंदर कौन सा डिवीजन हुआ, मियोसिस। और मियोसिस में आपको पता है मियोसिस का ही दूसरा नाम होता है मियोटिक। ओके, तो मियोसिस हुआ तो क्या होता है, चार सेल फॉर्म होते, क्या होते, कितने क्रोमोजोम फॉर्म होंगे फिर इसके, चार क्रोमोजोम फॉर्म होंगे, ये एक क्रोमोजोम, ये एक क्रोमोजोम, ये थर्ड वाली एंड ये फोर्थ वाली। और आपको पता है कि मियोसिस के अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम नंबर रिड्यूस हो जाता है, तो फिर इसके अंदर कितना हो जाएगा, 20, इसके अंदर भी 20, इसके अंदर भी 20 और इसके अंदर भी 20, मतलब जो क्रोमोजोम होगा देन रिजल्टिंग जो सेल्स मिलेंगे उसके अंदर कितना क्रोमोजोम होगा, हाफ क्रोमोजोम होगा, तो वो फिर यहाँ पे आंसर क्या है इसका, क्या आएगा, 20 क्रोमोजोम, समझ में आएगा, बिकॉज 40 का हाफ 20। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19। ओके, असर्शन ए, देखो स्टेटमेंट है क्या है, पोलन मदर सेल मतलब पीएमसी आर द फर्स्ट मेल गैमेटोफाइटिक सेल, ये फर्स्ट मेल गैमेटोफाइटिक सेल है, मेल गैमेटोफाइट की पहली सेल। देन बी रीजन ईच पोलन मदर सेल पीएमसी प्रोड्यूस टू मेल गैमेट, बिकॉज जो पीएमसी होता है ये दो पोलन जो ये गैमेट है वो बनाता है पोलन, सो ये जो है ये दो पोलन ग्रेन्स बनाता है, तो यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या होगा। ओके, सो बताओ, सो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसका आंसर जो है वो है, सबसे पहला है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, देन बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, देन ए इज अ ट्रू एंड आर इज अ फॉल्स, असर्शन करेक्ट है एंड इसका मतलब कहना है कि रीजन रॉन्ग है। उसके बाद है डी बोथ ए एंड आर फॉल्स, तो इसका आंसर है बोथ ए एंड आर फॉल्स, ये दोनों भी फॉल्स है, असर्शन भी फॉल्स है, उसका रीजन भी फॉल्स है, बिकॉज यहाँ पे देखो जो पोलन ग्रेन मदर सेल है पीएमसी आर द फर्स्ट मेल गैमेटोफाइटिक सेल नहीं होता, ठीक है। एंड उसके बाद है ईच पोलन मदर सेल प्रोड्यूस टू मेल गैमेट, ये टू मेल गैमेट नहीं प्रोड्यूस करता है, फोर मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है कि नहीं, और ये फर्स्ट सेल नहीं होता पोलन मदर सेल का, क्लियर है, पोलन मदर सेल फर्स्ट गैमेटोफाइटिक सेल एंड पोलन पोलन मदर सेल ये फर्स्ट गैमेटोफाइटिक सेल नहीं होता, तो ये कौन सा होता है ये आपको कमेंट करना है। ओके, कौन सा होता है, तो ये आपको एक होमवर्क है, आप जा सकते हो, डाल सकते हो गूगल में या फिर आप किताब में भी मिल जाएगा आपको। देन क्वेश्चन नंबर है अपना 20। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इन एनाट्रोपस ओव्यूल द माइक्रोपाइल इज, जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है उसके अंदर जो माइक्रोपाइल होता है वो क्या है, वो क्या है, देखो पहला इन अ स्ट्रेट लाइन विद फनिकल, वो फनिकल के स्ट्रेट लाइन में होता है एट राइट एंगल टू फनिकल, देन एट 45 डिग्री विद फनिकल एंड साइड, ओके साइड बाय साइड विद फिनिकल, तो बताओ इसका आंसर क्या है कि एनाट्रोपस ओव्यूल वहां पे जो माइक्रोपील होता है वो कहाँ पे होता है। देखो फनिकल क्या है, जो अपना ओव्यूल है वो प्लेसेंटा से अटैच होता है बाय द फ्यूनिकल, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिनिकल, और ये यहाँ पे होता है हमारा क्या होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल, तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है, जो फनिकल है उसके थोड़ा साइड में होता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ओके साइड बाय साइड विद द फनिकल। देन क्वेश्चन नंबर है 21, क्या है, सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ, जो सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है वो बनता है, यहाँ पे देखो ऐसा यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, ऊपर में 3 सेल्स होते हैं, ओके बीच में होता है एक सेल, यहाँ पे दो सिनर्जिड्स हो या एंटीपोडल सेल, और बीच में होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है वो किससे बनता है बताओ, इसके अंदर क्या क्या होता है, तो ध्यान में रखना हमेशा से, इसके अंदर क्या होता है, दो पोलार न्यूक्लिया होते हैं, दो पोलार न्यूक्लिया, ओके, बिकॉज क्या होता है कि सबसे पहले 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, 7 सेल मतलब ऊपर में 3 नीचे में 3, ओके 7 सेल 8 न्यूक्लियेटेड, न्यूक्लिया कितने हैं 8 है, तो देखो ऊपर में 3 न्यूक्लिया नीचे में 3 न्यूक्लिया और यहाँ पे 2 न्यूक्लिया, मतलब कितने न्यूक्लिया हो गए, 8 हो गए, लेकिन यहाँ पे जो 2 न्यूक्लिया है वो एक ही सेल बन जाते हैं, ओके एक ही सेल बन जाते हैं, ऊपर में एक सिंगल सिंगल न्यूक्लियस एक सिंगल सेल, लेकिन बीच में जो 2 न्यूक्लिया थे उसकी एक सेल बन गई, और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस, और ये बनता है 2 न्यूक्लिया से, 2 पोलार न्यूक्लिया, बिकॉज ये पहले पोल पे थे लेकिन उसके बाद वो बीच में आए दोनों, और यहाँ पे उन्होंने क्या बनाया, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाया, ठीक है, इसलिए वो किससे बनेगा फिर, 2 पोलार न्यूक्लिया से बनेगा। देन क्वेश्चन नंबर 22, पोलार न्यूक्लिया आर फाउंड इन, जो पोलार न्यूक्लिया है वो कहाँ पे मिलते हैं, मेल गैमेटोफाइट न्यूसेलस, फीमेल गैमेटोफाइट एंड पोलन चैम्बर, तो बताओ ये मिलते हैं किसके अंदर, ये मिलते हैं फीमेल गैमेट के अंदर, ओके फीमेल गैमेटोफाइट, तो जो ओवम होता है ओव्यूल ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है, और ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं, पोलार न्यूक्लिया होते हैं, इसलिए पोलार न्यूक्लिया मिलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर है 23, विच सेल ऑफ द गैमेटोफाइट ऑफ अ नॉर्मल एंजियोस्पर्म इज डिप्लॉयड, जो गैमेटोफाइट की सेल होती है वो डिप्लॉयड होती है, ओके एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे बताया गया है विच सेल गैमेटोफाइट की कौन सी ऐसी सेल जो एंजियोस्पर्म के अंदर डिप्लॉयड होती है जब वो गैमेट जब फर्टिलाइजेशन होता है, ओके तब कौन सी सेल डिप्लॉयड होती है बताओ, प्रोथियल सेल, वेजिटेटिव सेल, एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल,
अभी वेजिटेटिव सेल को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोथेलियल सेल बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड जनरेटिव सेल। तो बताओ कौन डिप्लॉयड होता है, कौन डिप्लॉयड होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है, बिकॉज ये दो न्यूक्लियस से बनता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये होता है डिप्लॉयड। समझ में आ गया? तो मेल गैमेटो, यहाँ पे देखो गैमेटोफाइट के अंदर क्या होता है, एंजियोस्पर्म के अंदर जो डिप्लॉयड होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन वो होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद कौन डिप्लॉयड बनता है, ये सर एक बनता है, बिकॉज एक ये पहले हैप्लॉयड था, इसके साथ एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है और ये क्या बन जाता है, डिप्लॉयड बन जाता है। और जो हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस है इसके साथ एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है, वो ट्रिप्लॉयड बन जाता है, ट्रिप्लॉयड। समझ में आ गया? वो ट्रिप्लॉयड बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, नॉट बिफोर फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना। देन क्वेश्चन नंबर है 24। 24 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द प्लांट पार्ट आर हेप्लॉइड। नीचे में कौन से पेयर जो होते हैं प्लांट के वो हेप्लॉइड होते हैं, न्यूसेलस, एंटीपोडल, एंटीपोडल एंड एक सेल, देन एंटीपोडल एंड मेगास्पोर मदर सेल, न्यूसेलस एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो बताओ इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है गाइस एंटीपोडल एंड एक सेल। ओके, एंटीपोडल एंड एक सेल ये कैसे होते हैं, आर हेप्लॉइड, ये हेप्लॉइड होते हैं, एंटीपोडल एंड अपना एक सेल क्या होता है, हेप्लॉइड होता है। ओके, यहाँ पे जो न्यूसेलस है वो हेप्लॉइड नहीं होता, उसके बाद ये एंड मेगास्पोर मदर सेल ये हेप्लॉइड नहीं होता, एंड जो प्राइमरी है क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये भी हेप्लॉयड नहीं होता है, न्यूसेलस भी नहीं। इसका आंसर गाइस एंटीपोडल एंड एक सेल, ये दोनों कैसे होते हैं, हेप्लॉयड, मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। देन क्वेश्चन नंबर है 25। 25 क्या कहता है, विच वन इज फीमेल गैमेटोफाइट इन द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर कौन फीमेल गैमेटोफाइट है, फिर कौन है, सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर, जो कि हमने ऐसा यहाँ पे बोला सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर, ये सेवन सेल, इसके अंदर एक न्यूक्लियस, इसके अंदर भी एक, इसके अंदर भी एक, लेकिन यहाँ पे दो, इसलिए सेवन सेल, सेल सेवन है लेकिन एट न्यूक्लिया है, कितने न्यूक्लिया है, एट न्यूक्लिया, इसलिए है, क्यों, बिकॉज बीच में दो न्यूक्लिया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओवम, ओके, ओव्यूल, सॉरी क्या बोलते हैं, ओव्यूल, इसको हम बोलते हैं ओव्यूल। और ओव्यूल का एक दूसरा नाम है एम्ब्रियो सैक, क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो ध्यान में रखना इसका आंसर फिर क्या होगा, एम्ब्रियो सैक होगा। देन क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 26। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, देखो जनरली हाउ मेनी मेगास्पोर टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होने के लिए कितने मेगास्पोर जो है वो पार्ट लेते हैं, कितने मेगास्पोर। ओके, सो बताओ 1 2 3 4। तो गाइज इसका आंसर क्या है, वन है, एक से ही बाद में डेवलपमेंट होती है, सेवन, एक मेगास्पोर मदर सेल से क्या होता है, एक मेगास्पोर से, मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, मतलब एम्ब्रियो सैक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 27। 27 क्या है, अ लीनियर ट्रेड ऑफ फोर सेल लाइंग एन एक्सियल, ओके, नाउ इज अ फॉर्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ। तो ये फॉर्म होता है लीनियर ट्रेड, मतलब एक लाइन में ऐसे चार फॉर्म होते हैं, वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर, पोलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट के अंदर, ओवरी के डेवलपमेंट के दरमियान, ओके, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, किसके डेवलपमेंट के दरमियान ये फॉर्म होते हैं, ओव्यूल के डेवलपमेंट के दरमियान। तो बताओ इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है पोलन ग्रेन्स, जब पोलन ग्रेन्स बनने होते हैं तब यहाँ पे ऐसा लीनियर एक ही लाइन के अंदर चार सेल, मतलब लीनियर टेट्राड फॉर्म होता है, टेट्राड मतलब चार सेल से बना हुआ। देन क्वेश्चन नंबर 28, द हेप्लॉइड सेल विच डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म एम्ब्रियो सैक इज, एक हेप्लॉइड सेल होती है मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, ओके, डिवाइड होती है बाय माइटोसिस एंड एम्ब्रियो सैक फॉर्म, ओके, एंड फॉर्म एम्ब्रियो सैक इज, वो एम्ब्रियो सैक बनाता है, वो कौन सी है जिसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस आपको पता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब यहाँ पे अगर डिप्लॉयड है तो यहाँ पे भी डिप्लॉयड रहेगा, यहाँ पे भी डिप्लॉयड रहेगा, मतलब बाद में फॉर्म हुई वाली सेल भी डिप्लॉयड ही रहेंगी। ओके, तो यहाँ पे बताओ इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है गाइस फंक्शनल मेगास्पोर, क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर। ओके, हेप्लॉइड सेल विच डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म एम्ब्रियो सैक इज फंक्शनल मेगास्पोर। ओके, फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है और वो क्या फॉर्म करता है, हेप्लॉइड सेल, उसके अंदर फिर बाद में माइटोसिस होता है और उससे क्या बनता है, अपना एम्ब्रियो सैक बनता है। ओके, ध्यान में रखना। देन क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई माइग्रेटिंग फ्रॉम ईच ऑफ द माइक्रोपिलर क्वार्टेल, माइक्रोपिलर क्वार्टेड एंड चलाजल क्वार्टेड टू द सेंटर एंड द नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इज। ओके, देखो इसका क्या कहना है कि जो सबसे पहले ये माइक ऊपर की साइड कौन सी होती है, चलाजल साइड, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, चलाजल क्वार्टल, ओके, क्वार्टर, और उसके बाद ये क्या है, माइक्रोपिलर क्वार्टर, नीचे की साइड माइक्रोपिलर, इसका ये जो पोजीशन है ये उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोपिलर क्वार्टर, ऊपर की चलाजल क्वार्टर, इससे क्या होता है, दो जो न्यूक्लिया होता है वो बीच में आता है, ऐसे बीच में आता है। ओके,
एंड उसको हम क्या बोलेंगे, ओके, सेंटर ऑफ द नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इज, तो वो क्या है, वो क्या है, वो कितने होते हैं, 1, 2, 4, नंबर नॉट फिक्स्ड, तो कितने होते हैं, ये दो होते हैं। यहाँ पे देखो, एक ये एक एंड ये दो। यहाँ पे हम आपको लगा होगा कि इसका आंसर टू है, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या पूछा है, देखो इसके अंदर देखो आप क्या है, ईच मतलब हर एक पोल से कितने आते हैं, हर एक पोल से एक ही आता है, तो इसका आंसर है गाइस ए। समझ में आएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन डाले जाते हैं एमएससीटी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करता है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो सैक विच टेकन पार्ट इन द इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। सो ये टेक पार्ट मतलब जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है, वो कौन सा पार्ट होता है बताओ, पी वाला पार्ट होता है। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंबल दिया गया है, यहाँ पे आपको नाम ढूंढना है वो कौन सा है, और वो ये कौन सा पार्ट है जो कि कहाँ पे हेल्प करता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्मेशन के तब, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ओके, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म होता है, वो कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड, 3n एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये कौन सा, ये डायग्राम में कौन सा सिंबल, सिंबल का ही नाम वो हेल्प करता है वो बताना है आपको। तो देखो जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो दो सेल से बनता है, कौन कौन से बताओ, सबसे पहला है पोलार न्यूक्लिया, उसके साथ एक मेल गैमेट जो है भिड़ जाता है कि नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो पोलार न्यूक्लिया का कौन सा है, क्यू, बिकॉज ये देखो ये पोलार न्यूक्लिया, ये क्या है, पोलार न्यूक्लिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये पोलार न्यूक्लिया से बना है, क्या क्या है दूसरा नाम उसका, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ क्या फॉर्म में फ्यूज हो जाता है, मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है, और ये दोनों फ्यूज होकर क्या बनाता है, ट्रियन, मतलब वो क्या है अपना एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं। तो फिर यहाँ पे मेल गैमेट का सिंबल है ही नहीं, ये सिंपल में अपने क्या है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, क्यू मतलब है सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये फॉर्म ये क्या करता है, हेल्प करता है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म होने के लिए, ओके, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दरमियान क्या होता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म होता है, और उसके अंदर क्यू हेल्प करता है, और क्यू है हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ओके, मतलब क्यू। तो यहाँ पे देखो आपको सबसे पहले तो ये सिंबल में से आपको नाम पहचानना होगा वो कौन है, और उसके बाद वो कहाँ पे हेल्प करता है ये भी मालूम होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर है 31, इफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन अ रूट सेल इज 14 एंड व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द सिनर्जिड ऑफ एन ओव्यूल ऑफ द पेरेंट। देखो अभी रूट सेल के अंदर कितने सेल है, 14 सेल है, तो आपको ये ढूंढना है कि जो पेरेंट का क्रोमोजोम था उसके अंदर सिनर्जिड्स के अंदर कितने सेल्स हैं, कितने क्रोमोजोम रहेंगे, ओके, रूट सेल में कितने क्रोमोजोम है, 14 क्रोमोजोम, तो उसके तो सिनर्जिड्स के अंदर कितने क्रोमोजोम रहेंगे उसके पेरेंट के, तो बताओ, ओके, सो क्या कितने होंगे बताओ आप जल्दी से, बिकॉज देखो जो सिनर्जिड्स है, ओके, सबसे पहले क्या होगा, सिनर्जिड्स होगा, सिनर्जिड से फिर क्या बनेंगे, रूट सेल, ओके, सिनर्जिड्स तो ये पूरा एम्ब्रियो सैक ही होगा, उसमें से एक पार्ट है सिनर्जिड, उससे जो हमारी रूट सेल थी उसके अंदर कितने हैं क्रोमोजोम, वो है 14। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, रूट सेल कैसी है अपनी, डिप्लॉयड है, और जो सिनर्जिड्स है वो कैसा है, हैप्लॉयड है, तो फिर डिप्लॉयड में अगर 14 है तो हैप्लॉयड में कितना रहेगा, 7 रहेगा, मतलब हाफ, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है फर्स्ट, है कि नहीं, यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट, वो है 7। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 32, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक डिस्क्राइब्ड एज द मोनोस्पोरिक, बिकॉज जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है हमारे एम्ब्रियो सैक की, उसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक, क्यों बोलते हैं, बिकॉज मोनो मतलब होता है सिंगल एंड स्पोर मतलब ये एक ही स्पोर से बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक की जो डेवलपमेंट होती है वो मोनोस्पोरिक होती है, बिकॉज इट फॉर्म्स ओनली बाय सिंगल माइक्रोस्पोर, ओनली सिंगल स्पोर, तो इट ऑकर्स विद इन द मेगा स्पोर, ओनली वन एग टेक्स प्लेस इन फर्टिलाइजेशन, मियोसिस ऑकर्स ओनली वंस एंड इट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल मेगा स्पोर, इसका आंसर क्या है, इट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल मेगा स्पोर, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। देन अभी पोलिनेशन के ऊपर क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ पोलिनेशन, फर्स्ट है डाइकोगैमी, देन डायोशियस प्लांट, सेल्फ स्टरिलिटी एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। अभी सेल्फ पोलिनेशन आपको पता है, एक ही फ्लावर, एक ही अगर हमारे पास एक ही प्लांट है उसका फ्लावर है, उस फ्लावर के अंदर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों होने चाहिए, और ऐसे फ्लावर के अंदर हम उसको क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो उसके अंदर मेल यूनिट एंड फीमेल यूनिट दोनों होंगे, और फर्टिलाइजेशन भी एक ही फ्लावर के ऊपर होगा, इसलिए हम तब उसको क्या कहेंगे, सेल्फ पोलिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइड्रोफिलस प्लांट, हाइड्रोफिलस मतलब क्या होता है, और अगर उस प्लांट के अंदर पोलिनेशन हो रहा है लेकिन किसके हेल्प से, वाटर के हेल्प से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलस प्लांट, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा वो बताओ आप, हेलो गैरीज, देन है पैटामोगेटॉन, देन जूस्टेरा एंड लोटस, तो इसका एग्जाम्पल बताओ आप कौन सा है, तो इसका एग्जाम्पल है गाइज जोस्टेरा, ओके,
इट्स एग्जाम्पल, इट्स अ हाइड्रोफिलस प्लांट बिकॉज इसके अंदर पोलिनेशन होता है बाय वाटर से, इसलिए इसको हाइड्रोफिलस प्लांट बोलते हैं। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है अपना वो है, अ क्लोज रिलेशन बिटवीन फ्लावर एंड पोलिनेटिंग एजेंट इज बेस्ट एग्जिबिटेड बाय। तो जो फ्लावर है एंड जो पोलिनेटिंग एजेंट है, इसका बेस्ट रिलेशनशिप ये नीचे में कौन शो करता है वो बताओ, कौन बेस्ट रिलेशनशिप शो करता है? तो इसका आंसर है बी, साल्विया। कौन करता है? साल्विया। तो अगर आप साल्विया डालोगे, साल्विया ओके, पोलिनेशन मैकेनिज्म इन साल्विया, क्या डालना है आपको? पोलिनेशन मैकेनिज्म इन साल्विया, तो कौन सा स्पेशल होता है वो आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है? तो इसका ये ध्यान में रखो, साल्विया। देन नेक्स्ट में यहाँ पे गाइज हमने क्या किया, 35 आपके क्वेश्चंस देखे हैं। सो फर्स्ट से पूरे हमने क्वेश्चंस वो लिए हैं, 35 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके गाइज, सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ।